हेलो फ्रेंड्स, आपंकर फेवरेट यूट्यूब चैनल ओडिशा ट्यूटोरियल स्वागत जनाऊँच। आज आम आलोचना करवा ओएसएससी एंड ओपीएससी प्रैक्टिस सेट 9 जो थी प्राय टॉपिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर प्रत्येक क्वेश्चन को भल भाव में प्रैक्टिस करेंगे जहाँफल कि एग्जाम आउ कौन असुविधा हो ना। चलो आज फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन देखी दिखाँ, आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर ऑफ ए रोफ इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मीटर रोड वाज 3 सेंटीमीटर लंगर, दि ट्रू लेंथ ऑफ दि मेजर्ड इज। क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव में बुझीद। क्वेश्चन सब इंग्लीश में आसो बुझेगा मुझे भल भाव में ओडिया भी क्वेश्चन रो मीनिंग बुझे आपण मैंने भल भाव में पढ़े और क्वेश्चन टी को बुझाक ट्राए करेंगे। न बुझिपारे कमेंट बक्स में निहां कमेंट करेंगे। कौन कही देखी दिखाँ, 120 मीटर एक दौड़ी मपागला तापर जनागला जे मापक रोड टी 3 सेंटीमीटर लंबा थिला तेबे दौड़ीर सटिक दैर्घ्य केते मपा जाइछि। भल भाव क्वेश्चन टी बुझंतु कौन कहि आमको कौन गला 1 मीटर गुटे आम रोड ने जो थी आम कौन करवा मापिबा केते मापिले आम 120 मीटर मापिले किंतु जनागला जे यही 1 मीटर नथिला एटा 1 मीटर बदल रे केते मीटर एक्स्ट्रा थिला 3 सेंटीमीटर आमर एक्स्ट्रा थिला माने आमे जदि थरे मापिबा के 1 मीटर 3 सेंटीमीटर मापिबा किंतु एमाने 120 मीटर मापी देइछंती ऑलरेडी किंतु आमे 1 मीटर माने थरे मापिले केते सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मापी दउचे एटा होची 3 सेंटीमीटरटा कौन एक्स्ट्रा ता माने वन टाइम जदि आमे मापिबा जदि थरे मापिबा वन टाइम मापिले एक्स्ट्रा केते मापुचे आमे से एक्स्ट्राटा को ही बाहर करबा ताले 1 मीटर एक थर मापिले 3 सेंटीमीटर आमर एक्स्ट्रा हो जाऊँगी एटा हूँ एक्स्ट्रा टोटल 120 मीटर जदि आम मापीचे तर 1 मीटर जदि भाविक मापीचे तो 120 को कैसे थर मापीचे 120 थर मापीचे तो 120 टाइम्स जदि मापिबा केते मीटर एक्स्ट्रा मापी देचे 120 टाइम माने 120 × 3 सेंटीमीटर लेखा अधिका अच्छी माने 12 × 36 360 सेंटीमीटर तेल आम 360 मीटर 360 सेंटीमीटर तेल आम एक्स्ट्रा मापी देचे। तो ट्रु लेंथ केते हबो ट्रु लेंथ माने एक्चुअल लेंथ तो आम 120 थर मापीचे माने 120 मीटर तो मापीचे ऑलरेडी 120 थर मापीचे 120 मीटर प्लस 120 थर केते मीटर एक्स्ट्रा मापीचे 360 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मापीचे 360 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा देखि दिंतु ये 120 मीटर प्लस ये 360 × 300 पड़ेब 300टा केते 3 मीटर हो जीवो प्लस 60 सेंटीमीटर रहिला 120 प्लस 3 जे केते 123 मीटर 60 सेंटीमीटर होमर एक्चुअल लेंथ प्रकृत एतक दैर्घ्य मापा कथा ता बदल में आम 120 मीटर मापीचे जेहेतु आमको जना ना जे मीटर मापकटी 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा अच्छी कहकना तो एक्चुअल लेंथ है 123 मीटर 60 सेंटीमीटर जोटा कि ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखी दिखाँ, यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी। दुईट संख्या हो तृतीय संख्यार यथाक्रमे 20% एवं 50% अटे तेबे प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्यार केते शतकड़ा। दुईट संख्या हूँ कौन तृतीय संख्यार माने आम तीन टे संख्या नहीं जाता माने ए बी सी तृतीय संख्या को जदि आम 100 धरवा प्रथम संख्याटी केते हबो 20% प्रथम संख्याटी 20% माने केते हबो 20 हबो द्वितीय संख्याटी 50% माने 50 हबो। आमको मांगी कौन प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्यार केते शतकड़ा माने ये प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्याटी केते शतकड़ा प्रथम संख्या लगे आगे फास्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर शतकड़ा माने इंटू 100 बास 50 दुणे केते हला 100 तो 20 दुणे 40% प्रथम संख्याटी द्वितीय संख्याटी केते शतकड़ा 40% जोटा कि ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन देखी दिखाँ, एक टेबुल 400 टंका परिवर्ते 350 टंका विक्रय करिवारु क्षति 500 शतकड़ा बढ़ी जाऊँगी तेबे टेबुलटर क्रय मूल्य केते थिला टेबुलटर क्रय मूल्य को आम कौन धरवा टेबुलटर क्रय मूल्य को आम 100 शतकड़ा बा 100% धरले। प्रथम कौन कर टेबुल 400 टंका परिवर्ते प्रथम सेलिंग कराईटा गोटे सेलिंग प्राइस 1 यहाँ गोटे सेलिंग प्राइस 2 से कौन कही 400 टंका प्रथम सेल कराई तापर से ही टेबुलटा को पुणी 400 टंका परिवर्त जो 350 टंका सेल करवा तेल केते टंका कम रे सेल करुचे 50 टंका कम रे सेल करुचे जो 50 टंका कम रे सेल करवा से 500 शतकड़ा क्षति हो जाऊँगी क्षतिटा 500 शतकड़ा बढ़ी जाऊँगी माने 50 शतकड़ा 50 टंकार भैल्यू जे 500 शतकड़ा सांगे सामान अच्छी यटा को आम कम लिखिपर 500 शतकड़ा जे 50 टंका लिखा 1 शतकड़ार भैल्यू के लिखा 50 बै
पाँच लिखा आम कॉस्ट प्राइस के 100% लिखीचे तो 100% वैल्यू आमको बाहर कर 50/5 इंटू कौन करा खाली 100 को आम मल्टीप्लाई कर पाँच का दिंतु पाँच के पाँच शून ताल आम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के 1000 टंका होची हमरो कॉस्ट प्राइस। ए सब क्वेश्चन को आपनो ए मेथड रे ही सॉल्व करियो जो थरे कि आपनो इजीली आंसर बाहर करि परिबे। तो ऑप्शन डी हबो ताले हमरो राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखि दंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। एक घंटा रो लिखित मूल्य 1000 टंका अटे। जणे दुकानी याकु दुईटी क्रमिक रिहाती 810 टंका रे क्रय करिले। गोटे रिहाती 10% हेले अन्यटी केते हबो। कोन कहिछि घंटा रो लिखित मूल्य आमकु दे दैछि लिखित मूल्य आमको के 1000 टंका देखिए दुईट रिहाती दिखाई गोटे 10% एवं अन्यटी आमको जाना ना। तो अन्य रिहाती आमको बाहर करार अच्छे जहाँफल से ही घंटाटी जड़े 810 टकर कि मानने 810 टकर कि अर्थात यहाँ हूँ दुकानी आज जो दुकानी सेलिंग प्राइस भी आम कहीपर ताल आम ये कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट फर्मूला पकवा कॉस्ट प्राइस आम किणवा केमती कि लिखित मूल्य उपरे बा मार्क प्राइस उपरे डिस्काउंट देकी किणबा ता माने आमे मार्क प्राइस लिखिले इनटू डिस्काउंट बाय 100 गुटे व डिस्काउंट बाय 100 वन प्रथमे दुईटा रे डिस्काउंट वन बाय डिस्काउंट टू। तो एही सब डिस्काउंट को आमे केमती लिखि दउ डिस्काउंट ता केमती लिखि दउ आमे डिस्काउंट ता कोन 100 माइनस डिस्काउंट थाय ना इनटू 100 ले एठी भी ताले 100 माइनस डिस्काउंट टू डिवाइडेड बाय कोन रहिथाय 100 रहिथाय। तो आमे किणिचे केते रंगे कॉस्ट प्राइस ता केते होछि 810 टंका इक्वल टू मार्क प्राइस होते 1000 टंका प्रथम डिस्काउंट हूँ 10% अर्थात के 90/100 लिखा। सेकेंड डिस्काउंट को आम कमी लिखिपर 100 माइनस डिस्काउंट टू डिवाइडेड बाय कौन लिखा 100 लिखा जहाँफल कि आप इजिली यू सल्व करेंगे। देखि दिंतु ये दुईटा शून अच्छी ये दुईटा शून को आम काटिदे ये गोटे शून को आम काटिदे राइट साइड रे लेफ्ट साइड अच्छे 810 इक्वाल टू यहाँ केवल 9 खाली एटी गुण नहीं जीव 9 गुणन कले कत 900 माइनस 9d2 होगला तो आम कौन कर देखि दिंतु 810 माइनस 900 करवाक्वाल टू माइनस 9 यटा को आम डी टू लिखिपर ये आमर के माइनस 900 रु 810 गले माइनस 90 इक्वाल टू -9d2 माइनस को काटि दिंतु 9 रे काटिले के 10 हे तामने डिस्काउंट टू ए डिस्काउंट टू रो वैल्यू केते आसी जाउची 10% हूँ डिस्काउंट टू अन्य रिहाती रे केते टंका केते शतकड़ा हबो 10% हबो जोटा कि ऑप्शन बी हबो यार राइट आंसर। एवरेज रो क्वेश्चन टी कौन अच्छी देखि दिंतु 28 जन छात्र छात्री गणित हाराहारी मार्क 50 अटे। 8 जन छात्र छात्री विद्यालय बाहरी गला परे हाराहारी मार्क 5 बढ़ी जाए तेबे विद्यालय बाहरी जाइथिबा छात्र छात्री हाराहारी मार्क केते प्रथम आम कौन करवा नंबर लिखि था प्रथम एवरेज लिखि था कौन लिखि था आम टोटाल लिखि था प्रथम केते जन थिले 28 जन छात्र छात्री 28 जन छात्र छात्री से हाराहारी मार्क केते 50 थिला तो टोटल मार्क केते हिजो 28 × 50 प्रथम शून्य बसई दिन तो 5 × 40 रु 0 5 × 10 = 14 ताले 28 जन को टोटल मार्क होची 1400 किंतु एथरु केते जन बाहरी गले 8 जन बाहरी गले 8 जन बाहरी गले हम पाखरे केते जन छात्र छात्री बचिबे 20 जन सेमान को हाराहारी मार्क 5 बढ़ी जाए 50 हाराहारी थिला एबे हाराहारी केते हि गला एबे 55 हि गला तो टोटल मार्क केते हिजो प्रथम गुटे शून्य 20 × 55 करिया प्रथम गोटे शून्य बसई दिखाँ 2 × 5 = 10 × 0 = 2 × 5 = 10 = 11 1100 कोड़े जन हाराहारी मार्क 8 जन बाहरी जाइए बाहरी जाइवा छात्र छात्री बाहरी जाइवा छात्र छात्री टोटाल मार्क के 1400 रु 1100 गले के 300 हम आमको यही 8 जन एवरेज मार्क रही एवरेज मार्क आमको बाहर कर टोटाल मार्क से 8 जन के 300 केते जन अच्छा 8 जन टोटाल डिवाइड बाय जितकी जन से तो एवरेज बाहरी थाए तो यहाँ आम करा हो 300 को 8 रे डिवाइड कले यू डिवाइड कर दिखाँ 8 × 3 = 24 केते बचला 60 8 × 56 केते बचला पुणी आम पाखे 4 बचला 8 × 5 = 40 तो 37.5 हम एम 8 जन बाहरी जाइवा छात्र छात्री हाराहारी मार्क एवरेज मार्क 37.5 ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर।
लक्ष्मी एवं तांकर मांकर बयसर अनुपात 3:11 अटे एवं सेमानकर बयसर अंतर 24 वर्ष अटे। 3 वर्ष परे सेमानकर बयसर अनुपात केते हेबो? प्रथमे आम किए गे अछंती लक्ष्मी अछंती एवं तांकर मांकर माने एटी आमे मदर लिखि परिबा। लक्ष्मीकर अनुपात केते दे दिची 3:3 दे दी 3 दे दिची एवं तांकर मांकर होउची 11 दे दिची। एमानक भितरे अंतर केते अछि देखि जंतु अंतर होउची 8 यूनिट रो वैल्यू 8 यूनिट के आमको कैसे दे दीजिए 24 वर्ष दे दीजिए 8 यूनिट इक्वल टू 24 ईयर 1 यूनिट रो वैल्यू आम बाहर कर 8 × 3 = 24 तो 1 यूनिट के 1 यूनिट हो 3 वर्ष सांगे सामान है तेज लक्ष्मी बयस तेत वर्ष हो ये 3 यूनिट अच्छी 1 यूनिट रैल्यू 3 है 3 यूनिट रैल्यू के 3×3 तो कैसे 9 वर्ष हो तांकर मांकर बयस केते अछि केते हिजो ताले 11 यूनिट अछि गोटे यूनिट रे वैल्यू 3 तो टोटल बयस केते हिजो तांकर 33 ईयर। पुणी कहि छि 3 वर्ष पर सेमानकर बयसर अनुपात केते हबो एटा पाइ गले आमे प्रेजेंट ईयर पाइ गले एठु आमकु 3 वर्ष पर कहि छि तो 9×3 केते हिजो 11 हिजो एठी आमकु पुणी 3 जोग करियार अछि सॉरी 9×3 = 12 हिजो एठी 12 हिजो पुणी एठी आमकु 3 वर्ष जोग करियार अछि ताले केते हबो ये 36 36 वर्ष हो। 3 वर्ष पर सेमानकर बयसर अनुपात कही तो ये लक्ष्मी एवं तांकर मांकर बयसर अनुपात एवं कही लक्ष्मी बयस के 12 वर्ष होपर माता बयस के 36 वर्ष हो तो 12 × 12 = 36 1:3 होमकर 3 वर्ष पर बयसर अनुपात जोटा कि ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। 7 नंबर देखी दिखाँ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी कौन कही 6 जन व्यक्ति एवं 8 जन बाड़क एक कार्य को 10 दिन में शेष करती 26 जन व्यक्ति एवं 48 जन बाड़क से ही कार्य को 2 दिन में शेष करती तेरे 15 जन व्यक्ति एवं 20 जन बाड़क से ही कार्य को केते दिन में शेष करें जदि आम ट्रिक्रे सल्यूसन करमी सल्यूसन कर देखी दिंतु नचे यार बेसिक कनसेप्ट आम सल्यूसन करवा तो ट्रिक प्रथम देखीद केते जन अच्छा 6 जन व्यक्ति अर्थात मेन अच्छा बाड़क अर्थात बयेज अच्छा मेन बयस तापर केते दिन लगुच्छे आम डेज भी आम तीन टा लिखीद प्रथम जहाँ आमको मागि जोटार एनसर आमको बाहर करके प्रथम आम लिखीद 15 जन मेन केते जन बाड़क 20 जन बाड़क केते दिन रे एई दिनटा आमको मागिचे ना तो दिन जगह आम कौन करवा दिन जगह को आम खाली रखा पुणी तापर आमको कौन कही देखी दिंतु 6 जन व्यक्ति और 8 जन बाड़क ये आमको सुविधा हम जोटा सुविधा हम से आप पुट करेंगे तो प्रथम 6 जन व्यक्ति अच्छा 8 जन बाड़क अच्छा केते दिन काम केते दिन शेष कर 10 दिन में शेष कर तो आमको देखार अच्छी ये 15 रे केते गुणन कले 6 होउची 20 रे केते गुणन कले 8 होउची तो आमको ये डेज रे बा D1 रे आम से गुणन करवा कल टू 10 हबार अच्छी तो मानने आमर 15 आउ 6 रेसीओ बाहर कर 20 आउ 8 रुमक रेसीओ बाहर कर 15 आउ 6 रेसीओ सामान हो कि नहीं देखी दिंतु 3 × 15 = 3 × 6 माने ये आसीगला 5 / 2 गुणन कराई एटा समान हो कि नहीं देखीदे जदि समान न हुए तो आप सेकेंड ऑप्शन को देखिए निहाती गोटे ऑप्शन आपणकर समान आसीबो ताहले जदि समान भी नसला ताहले आप बेसिक कनसेप्ट सल्व करेंगे तो ये कौन कह 20/8 अच्छी 20/8 को काटिले आमर के देखी दिंतु 20 / 8 अच्छी एटा को आम काटिपर 4 काटिले 4 × 5 = 20 4 × 2 = 8 माने यहाँ भी 5/2 आसे ये भी आम के गुणन करे 5/2 करे ये भी आमको 5/2 गुणन करेंगे ये आम कमी लिखले D1 × 5/2 इक्वाल टू के 10 हम ताल ये D1 रैल्यू आमर के D1 रैल्यू आस 10/2/5 5×2 = 10 2×4 4 डेज आसो 4 डेज जोटा कि ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर नचे या आम कौन करवा यार बेसिक कनसेप्ट आमको यहाँ को सल्व करने को पड़ो कौन कही 6 जन व्यक्ति मानने 6 मेन + 8 बयज इंटु कौन अच्छी डेज को इंटु करवा इक्वाल टू आमको मेन इंटु बयज करार अच्छे इंटु कौन करवा 26 जन व्यक्ति 26 अच्छा 26 मेन प्लस 48 बयज इंटु कौन करवा केते दिन कही 2 दिन माने इंटु ये आम 2 करूचे मैंने तो ये आसीगला 260 मेन प्लस 10 × 80 बयज इक्वाल टू 26 × 52 मेन प्लस 48 × 96 बयज
तो यहाँ को आम कौन करवा ये षाठी मेन अच्छी ये देखी दिखाँ 52 मेन अच्छी यहाँ लेफ्ट साइड को आसे माइनास माइनास 52 हो षाठी रु 52 गले आम पाखे के षाठी रु 52 गले 8 मेन बस 8 मेन इक्वाल टू 80 देखी दिखाँ 80 बयजटा लेफ्ट साइड को पलैब 96 बयज थी तो के 16 बयज हो तो यहाँ काटि दिंतु 8 दुणे 16 तो मेन डिवाइडेड बाय बयज आसी जाऊँच के 2 ये 2 अच्छी ना राइट साइड रखे 2 बस दिंतु तो ये 1 ये 1 हो माने 2 जन मेन 1 बयज यहाँ हो गलम रेसीो पाईगले आम कौन कर टोटाल वर्क डिवाइडेड बाय टोटाल पर्सन करवा टोटाल वर्क ये कौन कर टोटाल वर्क डिवाइडेड बाय टोटाल पर्सन कले आम के दिन लगे से बाहर करने बाहरी जो इजिली टोटाल वर्क केमती कौन कर देखी दिंतु ये 6 जन व्यक्ति 8 जन बाक 6 जन व्यक्ति 8 जन बाक एक कार्य को 10 दिन में शेष करते तो आम कौन करवा जो 6 मेन अच्छा ना टोटाल वर्क 6 मेन अच्छा मेन जगह आम के पुट करवा 2 पुट करवा प्लस के 8 जन बाक 8 इंटू बाक जगह आम के पुट करवा 1 पुट करवा डिवाइडेड आमको जो मागिच 15 जन 15 मेन मेन जगह आम 2 बसईवा देन 20 जन बाक जगह के बसवा 1 बसवा तो यहाँ को आम सल्व कले आम के देखी दिंतु 6 दुणे 12 ये केवल 8 है 12 वाट के आसो 12 वाट आस तो टोटाल पुणी आम के गुणन कर डेज अच्छी ना टोटाल आम 10 गुणन कर 6 दुणे 12 12 वाट 20 20 10 के 200 आस 200 डिवाइडेड बाय ये 15 दुणे 30 30 आउ ये हूँ 20 30 20 के आसला 50 आसला 50 रे काटिले 50 चौ 50 रे काटिले 50 चौजे के 50 40 50 चौसरी 50 चौजे के 200 हो तो आमर के दिन लगे 4 डेज 4 डेज लगे ये आम आंसर बाहर कर तो प्रथम ट्रिक को आम ट्राए करवा नेक्स्ट रे जदि न हुए बेसिक कनसेप्ट को आम बेसिक कनसेप्ट आम यार सल्यूशन कर चलत नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा 8 नंबर क्वेश्चन देखी दिखाँ कौन कही 2 समान पात्र में पानी और क्षीरर मिश्रण अनुपात 3:4 एवं 5:3 यही मिश्रण को अन्य एक तृतीय पात्र में ढणागला तेज तृतीय पात्रटी पानी एवं क्षीरर अनुपात के देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी इजी ट्रिक रे हिं यहाँ सल्व करवा प्रथम ए पात्र अच्छी ए पात्र मिल्क आउ व्वाटर रेसीो के अच्छी क्षीर और पानी देखिए ना ना पानी और क्षीरर दे तो आम मिल्क आउ व्वाटर लिखानी व्वाटर और मिल्क लिखा तो आमर के पानी अर्थात व्वाटर आम ये मिल्क लिखा व्वाटर के 3 और मिल्क के 4 अच्छी पुणी आ गए सेकेंड पात्र अच्छी एमर व्वाटर आउ कौन अच्छी मिल्क अच्छी के मिल्क अच्छी 5 पार्ट आउ व्वाटर अच्छी के सरी व्वाटर अच्छी 5 पार्ट आउ मिल्क अच्छी के पार्ट अच्छी मिल्क आमर 3 पार्ट अच्छी तो यहाँ को आमको गोटे तृतीय पात्र सी रे आमको ढाबार अच्छी ये आमको व्वाटर आउ मिल्क रेसीो आमको बाहर कर तो ये आम के कौन कर देखी दिंतु ये प्रथम के दु जन को जग करवा के 7 यूनिट अच्छी ये 7 यूनिट को कौन करवा या सांगे आम गुणन करवा ये 8 या ये दुटा को जोग कले के आसूँ 8 यूनिट ये 8 यूनिट को कौन करवा आम एक गुणन करवा चलत यह कमी गुणन करवा ये आमको व्वाटर कही व्वाटर देखी दिखाँ 3 यूनिट अच्छी ये 3 के गुणन करवाई मुझ 8 3 8 गुणन कर 8 3 के 24 हम यहाँ हूँ 1 पार्ट व्वाटर प्लस आम सेकेंड पार्ट व्वाटर को भी नवा सेकेंड पार्ट व्वाटर के 5 अच्छी ये 5 रे आम के गुणन करवा यही 7 को गुणन करवा 7 5 35 तो 35 लिखिले बास सर सेकेंड को आसे देखते मिल्क को आसतु मिल्क रे फर्स्ट पार्ट रे मिल्क के 4 यूनिट अच्छी यही 4 रे के गुणन करवा आम यही 8 को गुणन करवा 8 4 के 8 4 32 प्लस सेकेंड पार्ट को आसत सेकेंड पार्ट रे मिल्क के 3 यूनिट अच्छी ये 3 रे क्या गुणन करवा यही 7 को गुणन करवा 7 3 केते हो 21 हम एवं दुटा को जो कर दिंतु 5 4 9 3 2 5 59 रेसीो के 2 1 3 3 2 3 2 5 59:2 के 53 59:53 यार राइट आंसर हम जोटा कि ऑप्शन डी हे यार राइट आंसर यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी और ट्रिक बहुत इजी अच्छी यहाँ को आप प्राक्टिस करेंगे 2 त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात 2:3 अटे एवं से मानकर उच्चतार अनुपात 3:2 अटे तेबे से मानकर भूमि अनुपात आमको निर्णय करार अच्छी प्रथम कौन कह त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात दे त्रिभुजर क्षेत्रफल फर्मूला आम कौन जानचे फास्ट त्रिभुज दे गोटे फास्ट त्रिभुज सेकेंड त्रिभुजर आमको कौन कही
क्षेत्रफल दे दीची क्षेत्रफल अनुपात केते दे दीची 2:3 दे दीची क्षेत्रफल फॉर्मूला हमें कौन जानचे त्रिभुज क्षेत्रफल होची फॉर्मूला होची हाफ इनटू भूमि गुणन कौन करिवा हमें उच्चता लिखिबा भूमि को बी वन उच्चता को कौन करिया एच वन धरिया फर्स्ट टार सेकेंड टार भी सेमती है जो कहते हाफ इनटू भूमि गुणन कौन है जो उच्चता है जो खाली एटी एटी वन थिला एटी हमें टू पुट करिया तो हमको रेशियो कहते दे जी त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात के क्षेत्रफल जगह 2:3 बसइले 2:3 इक्वाल टू ये देखी दिंतु हाफ हाफ कटिगला हाफ हाफ कटि जाकर उच्चतार अनुपात भी देती उच्चता ये आमको भूमि बी वन इंटु उच्चता के उच्चता 3 देती बी टू लिखिले यार उच्चता सेकेंड टार उच्चता के 3:2 ना तो ये आम 2 बसइले तो ये आम देखी दिंतु यू आम कौन करवा बी वन बाय बी टू को गोटे सैड रखा बी वन बाय बी टू गोटे सैड रखि दिंतु आउ ये 3/2 को नेक्स्ट सैड को नहीं जातु अलरेडी 3 लेफ्ट सैड 2/3 थी इंटू के यहाँ आम 2 3/2 लेफ्ट सैड को गले कौन हो 2/3 होक्वाल टू बी वन बाय बी टू तो यहाँ को मल्टीप्लाय करदे आमर बी वन बाय बी टू रैल्यू कौन आस वन बाय बी टू इक्वाल टू 2×4 = 9 4:9 जोड़ा कि ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर एक ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जदि समांतर बाहुदयर अनुपात 3:5 एवं भूमि प्रति लंबर दैर्घ्य 12 सेंटीमीटर हुए तेबे छोट समांतर बाहुर दैर्घ्य निर्णय कर आम कौन कही गोटे ट्रापिजियम गोटे ट्रापिजियम आमको दे दीजिए ट्रापिजियम प्रथम ड्र कर दिंतु ट्रापिजियम रो दुईटी समांतर बाहुदयर अनुपात जोटा बड़ एटा होची कि 5x छोटा होची ताले आमे 3x धरिबा एवं सेमानको भूमि प्रति लंबर दैर्घ्य के 12 सेंटीमीटर दे ट्रापिजियम रो एरिया आमे कौन जानचे एरिया रो फॉर्मूला आमे कौन जानचे एरिया इक्वल टू हाफ इंटू समांतर बाहुदयर जोगफल माने 3x + 5x इंटू कौन रही उच्चता के 12 सेंटीमीटर अच्छे तो आमको ये कौन दे दीची एरिया दे दीची ऑलरेडी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आमको ये दुई काटि दिंतु दुई काटिले 212 हो जाए के तो ये आसीगला 5×3 = 8x इंटू कौन आस 6 आसो तो ये आम 6 काटिपर 6 काटिले 636 28 2 24 रहा 6×4=24 पुणी जो आम 8 काटा 8 * 64 तो एक्स रैल्यू के 8 cm एक्स रैल्यू हूँ 8 cm पाइले आमको मागे कौन तेज छोट समांतर बाहुर दैर्घ्य माने आमको 3x रैल्यू मागे 3x रैल्यू 8 है 3x रैल्यू हम के 3×8 तो 8×3=24 तो छोट बाहूटी के 24 cm जोड़ा कि ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे कौन कह कि मूलधन 2 वर्ष रे 4500 टंका एवं सही मूलधन समान चक्रवर्ती सुधरे 4 वर्ष रे 6750 टंका हुए तेबे मूलधन निर्णय कर तो ये आम कौन कर मूलधन रोटा शॉर्ट ट्रिक रे डायरेक्ट फॉर्मूला आम पकईपर प्रिंसिपल इक्वल टू कौन लिखिपर एमाउंट 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमाउंट 2 यहाँ हूँ डायरेक्ट फर्मुला अच्छे यहाँ को आप सर्ट ट्रिक भी कही पारे यही फर्मुलार आप प्रिंसिपल बाहर करते ए वन के 45 गुणन कौन कर 45 डिवाइडेड बाय ए टू के 6750 अच्छी तो प्रथम आम कौन कर गोटे शून्य काटि दिंतु यहाँ को जो आम 5 काटिले 5×5 केते होची 17 5×3 15 16 17 25 5×5 25 तो यहाँ को 5 काटिले 5×5 = 45 एटी आसीगला 0 यहाँ को आम 9 काटिपर 9 काटिले 9×9 = 0 तो यहाँ हो 15×9 = 135 होगा पुणी आम यहाँ को 5 काटिपर 5×5 = 5 5×5 कहीं कटिया डायरेक्ट ये 45 अच्छे डायरेक्ट 5×15 काटि दिखाँ 15×15 = 15 15×3 = 45 दुईटा 0 आसीगला ताहले आमर प्रिंसिपल के प्रिंसिपल हूँ 3000 हूँ आम प्रिंसिपल जोटा कि ऑप्शन सी हम आम राइट आंसर थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो जदि यही वीडियो आपको भल लगे लाइक शेयर और कमेंट करने को जमार भूलिबे ना पुणी आम नुआ चैप्टर को लेकिन आसवा
आपण माने यार पीडीएफ टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु डाउनलोड करिपरिबे जहाँ फल कि आपको जिते बेले चाहिए रिविजन करिपरिबे। थैंक यू फ्रेंड्स।